नमस्कार दोस्तों, आईएएस प्रेप पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज यहाँ पर एक न्यूज़ आ रही है कि यूपीपीसीएस की इंटरव्यू में बदलाव हो रहा है। 200 नंबर की बजाय 100 नंबर का अब इंटरव्यू होगा और ये व्यवस्था अगले साल से लागू होगी। और ये इसलिए किया जा रहा है, माना जा रहा है कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और लोग मेहनत करके ज़्यादा मार्क्स ला के सेलेक्ट हो सकते हैं। पीसीएस मेंस के पैटर्न को आईएएस मेंस की तरह करने की पहले से बात चल ही रही है और वैकल्पिक विषयों की संख्या 2 के बजाय 1 और सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र 2 के बजाय 4 करने का फैसला लिया गया है। पूर्व में पीसीएस मेंस का नया पाठ्यक्रम तैयार किया गया था, इसकी समीक्षा कराई गई जाएगी और इसे मंजूरी के लिए शासन को भेजा जाएगा। पिछले दिनों मुख्य सचिव राजीव कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस बदलाव पर शासन की सैद्धांतिक सहमति मिल चुकी है, यानी कि यह प्रोसेस आगे बढ़ गया है और अब धीरे धीरे ये नया पैटर्न जो है वो लागू होने की तरफ बातें बढ़ रही हैं। आईएएस और पीसीएस मेंस के पाठ्यक्रम में काफ़ी अंतर है। वर्तमान समय की अगर बात करें, आईएएस मेंस में निबंध और अंग्रेजी का 300 नंबर का पेपर होता है, 250-50 नंबर के जीएस के 4 पेपर होते हैं। वैकल्पिक विषय 2 के बजाय 1 कर दिया गया है। अब इसमें इस एक विषय के 2 पेपर यानी 250-250 नंबर, 250-50 नंबर के होते हैं। इस प्रकार कुल 1800 नंबर की लिखित परीक्षा और 275 नंबर का इंटरव्यू यूपीएससी का होता है। वहीं पीसीएस मेंस में अभी भी 2 वैकल्पिक विषय हैं, इसके 2-2 यानी कुल 4 पेपर होते हैं और प्रत्येक पेपर 200 नंबर का होता है। ठीक है, तो 200 नंबर के जो ये जीएस के 2 पेपर होते हैं, जबकि निबंध का 150 नंबर का पेपर होता है, हिंदी का भी 150 नंबर का पेपर होता है। इस तरह 1500 नंबर की लिखित परीक्षा और 200 नंबर का इंटरव्यू होता है। लेकिन वर्तमान जो हमारे सचिव जी हैं जगदीश जी, इन्होंने बताया पैटर्न एक होने से प्रतियोगी एक साथ दोनों परीक्षा की तैयारी कर सकेंगे, पारदर्शिता आ सकेगी। तो एक ये अच्छा बदलाव है और हमारे ख्याल से अगर आयोग इसको मान के कर रहा है, इसमें एक बात कहेगी कि जो टोटल कुल मार्क्स हैं वो 12.5% से ज़्यादा उसका इंटरव्यू का मार्क्स नहीं होना चाहिए, उस आधार पर इसको रखा गया है। तो हम लोगों को इसका स्वागत करना चाहिए और इस हिसाब से तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि हम इसका विरोध करें नहीं, ऐसा हो तो ये कोई फ़ायदा नहीं है। ये न्यूज़ थी, आप तक शेयर करना चाहता था, आपके लिए उपयोगी थी। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।